जस्ट कॉफी। अभी तो थोड़ी देर पहले मेरे हस्बैंड आ गया, पुराना बहुत पुराना हो गया है ना, इसलिए उसको हटाकर ये वाला बेड सीटर पीछे, ये भी बहुत पुराना ही हो गया, लेकिन एक्चुअली अभी भी ये इसका डिजाइन फ्लावर वाला ना तो खूबसूरत लगता है। ये सब ना गर्मी में ज़्यादा गर्म करता है, तो ठंडी के मौसम में ये ठीक है। एक्चुअली कंबल वाला बिछाते तो वो तो अभी मौसम ख़राब है तो सूखेगा भी नहीं, इसलिए उसको बिछाया नहीं है। ये मेरी दूसरी बार चाय है, क्योंकि पहली बार बनाए थे पीले, दूसरी बार बनाए तो एक बार और बनाए थे तो ठंडी हो चुकी थी, तो ठंडी चाय अच्छी लगती नहीं इस बार। तो अभी गर्मा गर्म चाय पी रही हूँ, और आज बनाए हैं खिचड़ी, मसालेदार खिचड़ी जो सब्जी डालकर बनती है, वो भी रेसिपी मैं एक दिन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग ट्राई कीजिएगा। हम लोग सैटरडे को अक्सर ये सब बनाते, सीजनली है, उसमें गोभी आलू आलू मटर और प्याज वगैरह डाल के ये सभी बनाते हैं। आज बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा कपड़ा भी इतना सारा वॉश करना है। अभी तक झाड़ू भी नहीं लगाया घर में, तो सोचे झाड़ू लगा पहले, क्लीनिंग कर लूँ अच्छा से सब। वहाँ रोड पे बच्चा सब रो रहा है सब। चारी में क्लीनिंग करने और हेयर वॉश करना है आज। कल ज़्यादा सर दर्द होने लगा था तो फिक्स लगाए थे। क्या कुछ बोला है क्या? ये है मेरा टुटुकुआ, हर वीडियो में बताती है कि सब जानता है मुझे। तू मेरा टुटुकुआ है इसलिए बता। नहीं बस ये सब भी आज ठीक है, सब चेंज करना है। कॉल करेंगे आज नहीं, अभी क्लीनिंग भी नहीं कर रहा तो अभी क्लीनिंग करेंगे। बाल में बहुत डैमेज हो गया, जानो बेटा हो गया ना, जाएंगे कचरा फेंकेंगे, पानी भरेंगे बोतल, बाहर झाड़ू लगा लिया। रोशनी मिलता है ना इधर से, तब मोबाइल का कैमरा बिठाता है नीचे, तो ही मेरा मोबाइल से भी गंदा लिखता है। कल ना हम गए थे आधा बनाने, तो अपना ही जैसा मोबाइल देख लिया एक के पास, बस होगा बहुत सर हो गए ये बाहर।
अभी जस्ट मैं नहा कर आई हूँ, बहुत ठंड है। पहले मैं कुछ अपने फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। अभी जस्ट बस कोकोनट ऑयल लगाना है और मैं कुछ अप्लाई करती नहीं मैं फेस पे, बस कोकोनट ऑयल थोड़ा सा फेस पे लेके। बहुत ठंड लग रही है, और थोड़ा सा टोनर ये रहा। आप कुछ भी अप्लाई कीजिए तो नेक के पास भी अप्लाई कर दीजिए, चूँकि अब सिर्फ फेस पे अप्लाई करेंगे और नेक पे नहीं तो थोड़ा सा और लगेगा, मेकअप पता चलता है। ऐसे इस एरिया पे भी लगाने से मेकअप उतना पता चलता नहीं है। ये हो गया मेरा, थोड़ा समय और लैक्मे का है लिपोबाम। एक्चुअली बहुत पहले से ही है तो ठंडी में इसका ज़्यादा यूज पड़ता है, गर्मी में तो मैं लगाती नहीं। ये लगाया अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लिप रहता है। ये हो गया मेरा, कुछ भी अप्लाई नहीं किया, जस्ट अब जा रही हूँ छत पे कपड़ा डालना है
आज बहुत सारा कपड़ा वॉश हो गया है तो सब रखना तो पड़ेगा ही। ओके बाय। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब भी? और अभी जा रहे हैं रोटी बनाने। रोटी और सब्जी कुछ पता नहीं, कुछ सूझ नहीं रहा है कि क्या बनाया क्या नहीं। डेली डेली का तो वही काम हो जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या बनाए क्या। तो सोच रहे हैं कि क्या बनाए। और आज सैटरडे है तो ये ब्लैक स्वेटर और ये ब्लैक स्वेटर विथ ओलेजुट। आप लोग के यहाँ कैसे ठंडी है? यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है, ज़्यादा नहीं बट अभी ब्लैंकेट तोड़ते ही हैं। हाँ, रजाई अभी निकाले नहीं है ट्रंक में से, ट्रंक में ही है रजाई, अभी नहीं निकले तो जा रही हूँ मैं। बर्तन सब वॉश हो गया है, मैं दिखाती हूँ। बर्तन सब क्लीन हो गया है, ये रहा मेरा बर्तन, ये सब क्लीन हो गया और ये कप से बचा हुआ है। और ये रहा मेरा आटा, इसको जान रही हूँ। सारा ने आप लोग क्या बोलते हैं? हाँ, बउआ मांग रहा है कुछ खाने के लिए। गूंथना बोलते हैं ना, गूंदना नहीं, आटा को गूंदना। हम लोग सानना बोलते हैं, उन लोग की लैंग्वेज में सानना उसको बोलते हैं, आप लोग गूंदना बोलते हो। गए क्या खाएगा? क्या खाएगा बुआ? हाँ, अब टीवी बंद करो, टाइम हो गया। अब जा रही हूँ मैं, पहले कुछ खाने के लिए उसको मिले तो उसके बाद। आया है जस्ट टमाटर लाए हैं, टमाटर सोचे हैं बैंगन आलू और टमाटर की सब्जी ऐसे विथाउट मसाला बनाना। कुछ नहीं, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या बने क्या नहीं। भैया डेली डेली का तो ही खाना है। तो कैसा था मेरा आज का ये ब्लॉग? अच्छा लगता प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।